17/5/2021 को स्थानीय अधिकारी सोहिला ब्लॉक स्थित टुंगी बंदली को क्राफ्ट कटिंग के अनुशीलन को पालन न करने अपने मन के मुताबिक सिर्फ गांव में एक मासूम किसान की जमीन प्लॉट नंबर 665 है हार्वेस्ट के अनाज अमल करके ट्रैक्टर ट्रैली में रखा अनाज को लाकर कोई सज्जन या किसानों को गैर मौजूदगी में क्राफ्ट कटिंग अमल का हिसाब करके चले गए। यहाँ तक कि गाँव के सरपंच या पंचायत के कोई सदस्य को भी इस मामले में नहीं बताया गया। किसान के कहने के मुताबिक अगर उस रिपोर्ट को रद्द ना किया गया तो गांव के सभी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस विषय में खूब जल्दी कदम उठाने की किसानों ने जिला अधिकारी के पास दावा किया है और मांग पूरी ना होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने को कहा है। टुंगी मंदली गाँव रोटे चाषी आ गया, मोर नाम राकेश प्रधान, मोर भाई के नहींगरी हमर योग्य भेल लवलू जी अच्छे आउ कंपानी वाला से अलग प्लट के आटिंग करी गोटे ट्रैक्टर धान लदाई ओजन करी आनिकर मनमुखी हिसाब से 23 kg धान ओजन करी पठे दीछन आज्ञा आम कौन से चाषी जना नहीं कि गाँव रही जना नहीं जदि कंपानी एंता करवा बोले आम चाषी मैंने क्या गुहारी करमु हेती कलेक्टर अफिस आज्ञा ये दाबी जनईं जो प्रकृतिर तदंत करी ठीक रिपोर्ट पाई आमको इन्सुरांस क्लेम कर बोल दाबी कर चाषी मैंने ग्राम तांडन विक्रम दास दाबीटा आज आम जेन इन्सुरांस गले जेन प्लट काटिचन से ट्राक्टर गोटाके ओजन कर 23 kg कर देजन से लगे आज आम एस से गाँव भी क्या डाकिनि कि क्या जनईनि ताक मन कर भेल डब्ल्यू और आम इन्सुरांस कंपानी मैं टुंगी मंदली ग्राम पंचायत चांडोल गाँव रो ना लक्ष्मण सेठ आम टुंगी मंदली पंचायत रेन क्रप सोटिंग है से क्रप सोटिंग मैंने क्रप सोटिंग ना कर गोटे ट्रैक्टर ट्रली थिला धान के आनी ओजन कर 23 kg लिखी देच बोले आग तीन टा प्लट जेनटा करनि प्लटा ठीक अच्छे आई गोटे प्लट ताक मनमुखी हिसाब से काटिक 23 kg लिखी देच 2020 रबिर से लगे आम कलेक्टर महोदय को चिठी माध्यम रे जनावार लगे आम ये आसीचु जिलापाल को सब जनामु बोलिकी से जेनटा क्रप्स कटिंग है क्रप्स कटिंग करते बोले आमर किसी अभियोग नहीं थे बिना क्रप्स कटिंग करी से ट्रैक्टर टोली नु आनी 23 kg धान जेन लिखी देचन से लगे आम अभियोग करूँ से जिनिसटा कैंसल करवार लगे आम कलेक्टर महोदय को जनावार लगे आसीचु। R9 भारत के लिए सुशोभन दास की रिपोर्ट। आज बरगढ़ जिला कोविड प्रतिरोधक टीका जो कि जिला युवाओं को बरगढ़ जिला सभी PHC तथा CHC के जरिए तुरंत देने के लिए बरगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी तथा महिला मोर्चा सभा नेत्री सुनंदा महिरा के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत बेहरा, खिरेश्वरी स्वाई, विपिन भोगासर, लखमन नंद, लिप्सित मिश्र, सुकान दास तथा अन्य वरिष्ठ नेता आज अतिरिक्त जिलाधिकारी के जरिए उड़ीसा सरकार के पास जिलाधिकारी कार्यालय में दावी पत्र दिए गए हैं। आमर दाबी अच्छे जे आमर अतावेरा निर्वाचन मंडी भारतीय जनता पार्टी तरफ आम सब कार्यकर्ता मैंने आसचु तो अतावेरा और भेड़न रे बहुत गुड़े कोरोना संक्रमण संख्या बढ़ी बढ़ी चली चलीजे ये जगह रे बहुत गुड़े युव पीढ़ी रो मृत्युवरण कर जेनता अतावेरा अंचल रु ग्रामांचल रु लोक मैंने इनके DDH बड़गड़ के आसवा लगे बहुत असुविधा हो से जदि अतावेरा आ भेड़न रो सब PSC CSC रे 18 to 44 मध्य टीकाकरण जदि सुविधा हो पार्बा तेल बहुत उपकृत हो पारे से आम दाबी पत्र जनावा कलेक्टर को आम ADM को माध्यम रे आईसु देखा करवा आज दाबी पत्र आमर प्रतिनिधि दल आसिक जोटा कि 18+ र नागरिक समस्त को कोविड टीका देवा पाएं अनुरोध करछंती जोटा कि बरगढ़ टाउन रे एटा चली अन्यान्य PSC CSC रे समस्त को केमती उपलब्ध करिया पाएं कहउछंती एटा मध्य गवर्नमेंट रो इंस्ट्रक्शन हिसाब रे जहाँ गवर्नमेंट रो नियम कानून हिसाब रे आमे मध्य प्रयास करू कि समस्त केमती टीका पाई पारिबे सर प्रयास कर जहाँ गवर्नमेंट रही तो गवर्नमेंट निर्देश बोली जहाँ गवर्नमेंट निर्देश आसे से आम अनुपालन करते जमी टीका पाई ताकि प्रयास करा कराऊ भारतीय जनता पार्टी अतावेरा निर्वाचन मंडल वरिष्ठ नेता आ बर्तमान सांसद भेड़न ब्लक प्रतिनिधि अच्छा आज आज दाबी है जेहेतु
ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବ୍ ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କରୋନାର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକଡାଉନ୍ ବି ବଢ଼ୁଛେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ କରୋନାର ପ୍ରକୋପରେ ପଡ଼ିକିରି ଅନେକ ମାନେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ 18-44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଟିକାକରଣ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ବୁଲିଛନ୍, ସେଇଟା ନିଜର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର। ଅତାବିରା ବାଲି ବୁର୍ଲା ବି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ଭେଡ଼େନ ବାଲିକୁ ବରଗଡ଼ ଆସିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଡିଏମ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଯେ ବ୍ଲକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦେବା, ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ 18-44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ମୋ ନାଁ ସୁନନ୍ଦା ମିର, ବରଗଡ଼ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବି ଅଛେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଅତାବିରା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକରୁ ତଥା ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରରୁ ବି ଆସିଛନ୍। ଆମର ମାଆଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ 18-44 ଯେନ୍ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଆଉ ସବୁ ସିଏସ୍ସି ବରଗଡ଼ ଯେତେ ବି ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତାବିରା ଭେଡ଼େନରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଟାକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏଡିଏମ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଅତାବିରାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସବୁ ନେବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟିକେ ଧିମେଇ ମାନେ ନାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, କରୋନା ପେସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛେ, ତାର୍ ଉପରେ ବି ବେଡ଼୍ର ତାପରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ବିଜେପି ବରଗଡ଼। ଆଜି ଅତାବିରାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାନେ କୋଭିଡ଼୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍, ଅତାବିରାର ଏରିଆର ବହୁତ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଇନ୍କେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ, କିନ୍ ମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବି ନାଇଁ କରିପାର୍ବାର୍, ଅତାବିରାରେ ବରଂ ଦେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବି କରିପାରିବୁ ଆଉ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ। ବାହାର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲା ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ସେମାନେ। ଆଉ ଅତାବିରାରେ ସବ ନେବାର ଗାଡ଼ି, ସବୁ ବାହକ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ନେଇନ, ସେମାନେ ଟ୍ରଲିବାଲା ଟେମ୍ପୁରେ ନେଇକରି ସବୁ ଦାହ କରୁଛନ୍ ବି, ଆଉ ସେଥିରେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ।